यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और 2025 में या तो मैट्रिक या फिर इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक कब कब कौन कौन सा आपका काम होने वाला है, कब कब किस किस तरह के फॉर्म भराने वाला है, कब कब कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब सेंटअप एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा, A to Z अभी से लेकर होने वाले सारे एकेडमिक जो काम है उसका विवरण मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपको पूरा देखना होगा, आपको समझना होगा, हर एक डेट की जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो है ना सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी हुआ था, ये मैट्रिक का देख लीजिए सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का, और ये इंटर का देख लीजिए कि पिछले साल जो है सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी हुआ था, लेकिन इस साल होगा कि नहीं होगा ये बिहार बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डेट जो है ओवर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको सुधार करवाना था लेकिन नहीं करवा पाए, जिनको सब्जेक्ट चेंज करना था लेकिन नहीं करवा पाए, उनको भी मौका अभी मिलेगा, उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो चूंकि इस बार फर्स्ट डमी रजिस्ट्रेशन का ही इतनी बार डेट बढ़ाया गया कि सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन का चांस दिखता तो कम है, लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड चाहे तो सेकंड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर भी सकता है, इसलिए अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन अब रहा कि पिछले साल तो जारी हुआ था, अब इस साल चूंकि काफी लंबा समय लग गया है तो यह आने वाले वक्त में देखना होगा। अब एक सवाल हमारे सामने आता है कि मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म फिर कब भरा जाएगा, मैट्रिक का फिर इंटर का एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, मैट्रिक इंटर का मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि फॉर्म भरने से पहले आता है वो कब आएगा। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये नोटिफिकेशन है इंटर 2024 का, और इंटर 2024 के लिए जो एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी 26 अगस्त से ही हो गई थी, 26 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म भरने का डेट रखा गया था। और याद रखिए कि जैसे ही एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आता है साथ ही साथ आ जाता है मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी के ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा और एग्जाम फॉर्म का डेट आएगा, दोनों का विज्ञापन दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ ही आएगा। ये इंटर का आपने देख लिया और ये आप देख लीजिए मैट्रिक का, मैट्रिक का फॉर्म जो है ना पिछले साल भरने का जो डेट रखा गया था वो रखा गया था, यहां पर आप देख सकते हैं डेट को 3 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक पिछले साल मैट्रिक का फॉर्म भरा गया था। तो सितंबर महीने में इस साल भी एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत होने का पूरा पूरा चांस है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगला काम क्या होगा। तो देखिए पिछले साल फॉर्म भरने के साथ एक नियम भी लगा दिया गया था कि फॉर्म अगर आपको भरना है मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरना है तो उसके लिए 75% अटेंडेंस का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस साल ये नियम रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन चांसेस कम है कि 75% अटेंडेंस का नियम फॉर्म भरने में लगाया जाए। पिछले साल बहुत सारे बच्चों का एग्जाम फॉर्म छूटा भी है इस कारण से। और उसके बाद आपका हो जाएगा किस महीने में, तो अक्टूबर महीने में हो जाएगा इंटर वालों का सेंटअप एग्जाम। अक्टूबर महीने में आपका होगा सेंटअप एग्जाम, और सेंटअप एग्जाम अक्टूबर में केवल इंटर का होगा। अगर हम यहां पर बात करें मैट्रिक वालों की तो मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम होता है नवंबर महीने में। ये देखिए मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम का रूटीन है पिछले साल का। और यहां पर सेंटअप एग्जाम की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि इंटर वालों का तो अक्टूबर में होगा और इसके बाद मैट्रिक वालों का नवंबर में होगा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि सेंटअप एग्जाम में हर विद्यार्थी का बैठना शामिल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर नोटिस में ही लिख दिया जाता है कि अगर कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या फिर शामिल होते हैं और फेल हो जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया जाएगा, वो वंचित हो जाएंगे। और यहां पर एक बात और आप जान लीजिए कि जो फेल बच्चे होते हैं, एक्स बच्चे जिनको पूर्ववर्ती कहते हैं, जो कंपार्टमेंटल बच्चे होते हैं या जो सिंगल सब्जेक्ट अंग्रेजी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसे बच्चों का सेंटअप एग्जाम नहीं होता है, ना मैट्रिक में ना इंटर में। ठीक है, यह भी आपको सवाल का जवाब मिल गया। अब यहां पर जान लीजिए कि पिछले साल सेंटअप एग्जाम में भी शामिल होने के लिए न्यूनतम 75% अटेंडेंस का नियम रखा गया था, लेकिन ये पिछले साल की बात है, इस साल चांसेस कम है कि ऐसा कोई नियम रहे। लेकिन हाँ, फिर भी सेंटअप एग्जाम में शामिल होना और उसमें पास होना तो फिर भी बहुत जरूरी है 100%। तो सेंटअप एग्जाम अक्टूबर में इंटर का और नवंबर में मैट्रिक का, उसके बाद आता है डमी एडमिट कार्ड। तो डमी एडमिट कार्ड किसका आएगा, जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भरेंगे सितंबर में, जब एग्जाम फॉर्म का डेट आएगा ना, तो जो
बच्चे एग्जाम फॉर्म भरेंगे उनका आएगा डमी एडमिट कार्ड। ये डमी एडमिट कार्ड फॉर्म भरने के बाद आता है और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होने से पहले आता है। तो नवंबर में आएगा आपका डमी एडमिट कार्ड। और याद रखिए कि अगर किसी कारण से आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो अंदर सुधार कराने का आपको मौका मिला था, अगर किसी वजह से आप नहीं करा पाए, तो फिर से डमी एडमिट कार्ड में आपको नाम के स्पेलिंग में, माता पिता के नाम के स्पेलिंग में, या आधार नंबर हो, आपका कैटेगरी हो, लिंग हो, विषय भी, और वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर सब में सुधार कर सकते हैं, यानी डमी एडमिट कार्ड आने के बाद भी। अब आप सोचिएगा कि तब तक तो हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका रहेगा, तो उसमें सुधार तो नहीं होगा। तो इंटर वालों को एग्जाम के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है बोर्ड से छपकर, उसमें आपको जो आएगा सुधार किया हुआ आएगा, और एडमिट कार्ड तो वैसे भी डमी में सुधार करने के बाद सुधार हो ही जाएगा। तो सुधार करने का मौका आपको डमी एडमिट कार्ड आने पर भी मिलेगा। और ये देखिए मैट्रिक का है, मैट्रिक का 14 तारीख तक जो है ना, पिछले साल 14 नवंबर तक डेट दिया गया था डमी एडमिट कार्ड जारी करने और उसमें सुधार करने का। तो नवंबर में आएगा डमी एडमिट कार्ड मैट्रिक का भी और इंटर का भी, और सुधार करने का मौका फिर से मिलेगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा, तो उसके बाद जब नवंबर तक हम पहुंच गए, दिसंबर में आएगा इंटर वालों का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड। देखिए यहां पर आपको समझ लेना है कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड केवल इंटर वालों का आता है, मैट्रिक वालों का नहीं आता है। मतलब अगर देखा जाए ना, तो इंटर का एग्जाम देने वालों को दो एडमिट कार्ड मिलता है, एक तो ये प्रैक्टिकल वाला जिसमें केवल वही सब्जेक्ट रहेंगे जिनका प्रैक्टिकल होता है, यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप देख सकते हैं, और डेट दिया गया है 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी, हर साल यही डेट में प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो दिसंबर में एडमिट कार्ड आ जाएगा प्रैक्टिकल वाला, और सिर्फ किसका आएगा, तो इंटर का आएगा। और इस प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड को लेकर के आपको जाना होगा अपने ही स्कूल कॉलेज में जहां आपका एडमिशन है, और वहीं होगा आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि प्रैक्टिकल के लिए अलग से जो है ना आता है कॉपी भी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहां पर दिसंबर में हम पहुंच गए कि दिसंबर में हमारा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आएगा, सिर्फ 12 वालों का आएगा, इंटर वालों का आएगा, मैट्रिक वालों का नहीं आएगा। अब दिसंबर में ही आपका फाइनल एग्जाम का रूटीन आ जाएगा, रूटीन जो है फरवरी में जो फाइनल एग्जाम मैट्रिक इंटर का होने वाला है, उसका रूटीन आपका दिसंबर में ही जारी हो जाएगा कि कब से इंटर का एग्जाम होना है और कब से मैट्रिक का एग्जाम होना है, रूटीन आ जाएगा। और उसके बाद जनवरी में आ जाइए, तो जनवरी में होगा इंटर वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम, और उसके लिए ये कॉपी आती है, ये कॉपी का फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम इंटर वालों का लिखित एग्जाम होता है, उनके अपने स्कूल कॉलेज में होता है, एडमिट कार्ड आपको मैंने दिखा ही दिया। तो जनवरी में एग्जाम होगा लेकिन एडमिट कार्ड आएगा एक महीना पहले दिसंबर में ही इंटर वालों का। तो प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम। अब मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का प्रैक्टिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता, उनका बस एक ही एडमिट कार्ड आता है और उसी से उनका प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल के लिए अलग से लिखित एग्जाम नहीं होता, कॉपी नहीं आती बोर्ड से, बल्कि उन्हें जो है प्रोजेक्ट वगैरह बना करके, कॉपी वगैरह बना करके अपने स्कूल में केवल जमा कर देना होता है। तो ये इंटर का हो गया प्रैक्टिकल, मैट्रिक का भी हो गया। अब जनवरी में ही आपका आएगा फाइनल एडमिट कार्ड। देखिए यहां पर जनवरी के बाद मैं कर रहा हूं, 14 जनवरी को आ गया था मैट्रिक का एडमिट कार्ड, और मैट्रिक वालों का जो प्रैक्टिकल का डेट रखा गया था 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक, और इनका एग्जाम था फरवरी में 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक। तो 14 जनवरी को आ जाएगा मैट्रिक का एडमिट कार्ड, आया था पिछले साल, और इंटर का एडमिट कार्ड 20 तारीख को आया था, 20 जनवरी को आया था पिछले साल, और 20 से लेकर के 31 जनवरी तक इसको डाउनलोड करके और लेने का, अपने स्कूल कॉलेज से प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। तो ये प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड हो, फाइनल एडमिट कार्ड हो, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको या तो अपने स्कूल से मिलेगा या फिर अपने कॉलेज से मिलेगा, आप स्वयं डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर साइन मोहर भी होना जरूरी है। तो जनवरी में एडमिट कार्ड फाइनल आ जाएगा, और जनवरी में एडमिट कार्ड आने के बाद आपका फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हर एक महीने में कुछ ना कुछ मैट्रिक और इंटर वालों का होना है। और जैसे जैसे जब जब जिस जिस चीज़ का डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसकी विस्तार से जानकारी आपको अलग से मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।